तो दोस्तों वाईटेक चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिना किसी एप्लीकेशन के आप डिस्प्ले वाला फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगा सकते हो, कुछ इस तरह से। जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरे बैक साइड में फिंगरप्रिंट लॉक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मगर यहाँ पर मैंने डिस्प्ले पर फिंगरप्रिंट लॉक लगा के रखा है। आप भी लगा सकते हो किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर, कि कोई भी आपके पास पुराने से पुराना एंड्रॉयड फ़ोन है ना, उसके डिस्प्ले पे आप भी फिंगरप्रिंट लॉक लगा के रख सकते हो, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन के। ये जो डिस्प्ले वाला फिंगरप्रिंट लॉक है ना, वो महंगा फ़ोन के अंदर आता है, मगर आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर लगा सकते हो डिस्प्ले पे फिंगरप्रिंट लॉक, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन के। आपको करना क्या है, इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है, एक एक चीज़ मैं आपको ठीक से बता दूंगा कि कैसे आप लगा सकते हो, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी काम कर देना है, यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। वीडियो को लाइक करके आपको कमेंट में फिंगरप्रिंट लॉक लिख करके मुझे सेंड कर देना है। अब इतना करने के बाद आप चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप डिस्प्ले पर फिंगरप्रिंट लॉक लगा के रख सकते हो। आपको करना क्या है, आप अपने फ़ोन में थीम्स का ऑप्शन तो सभी के फ़ोन में होता है, आपको थीम्स में चले जाना है, आपको लेना है आपके फोन में थीम्स कहां पे है। अब थीम्स में आप जैसे ही चले जाओगे ना, तो ऊपर यहां पे सर्च बार दिखेगा, यहां पे आपको सर्च बार में सर्च करना है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ओ आर आई GINFTW यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सर्च जैसे ही करेंगे ना, तो आपके सामने एक थीम्स आएगा, उस थीम्स को ओपन कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके आ रहा है, डाउनलोड करके रखा है, तो यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब जैसे ही आप डाउनलोड कर लोगे ना, उसके बाद आपको बैक कर देना है, ठीक है। बैक करने के बाद आपको साइड में दिखेगा प्रोफाइल, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको लॉक स्टाइल दिख रहा है ना, लॉक स्टाइल पे क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे अप्लाई कर देना, अब जैसे ही अप्लाई कर दोगे तो सक्सेसफुल अप्लाई हो गया। अब उसके बाद आपको बैक कर देना है, बैक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने फ़ोन को लॉक किया, ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले पे फिंगरप्रिंट आ गया। अब इसको ऐसे सटाइए और खोलिए, देखिए यहाँ पे काम कर रहा है ना डिस्प्ले वाला फिंगरप्रिंट लॉक। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी पुराने से पुराने एंड्रॉयड फ़ोन में बिना किसी एप्लीकेशन के डिस्प्ले वाला फिंगरप्रिंट लॉक आप लगा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। बाय।